काफी अच्छी होती है अपने का देश के। और पूर्व आईएएस ने वीडियो शेयर कर योगी आदित्यनाथ पर लगाया एएनआई कर्मी को गाली देने का आरोप। लोग कह रहे हैं सीएम को बदनाम करने पर हो एक्शन। नमस्कार, मैं रितेश मिश्रा और स्वागत है आपका द आरके न्यूज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने गर्म तेवर के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर विपक्ष नेताओं पर हमलावर नजर आते हैं। अब उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे कथित तौर पर समाचार एजेंसी एएनआई के कैमरामैन को अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप ने साझा किया है। वीडियो में दिख रहा है कि यूपी सीएम किसी मुद्दे पर एएनआई को वाइट दे रहे हैं। इसी दौरान कैमरामैन से कैमरा हिल जाता है, जिस पर योगी जी खफा हो जाते हैं और कथित तौर पर कैमरामैन को अपशब्द कहने लगते हैं। हालांकि वीडियो आपको बता दें कि बाद में फेक साबित हो चुकी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा है। एएनआई के कैमरामैन से जरा सी आवाज पर चूतिया कहीं के कहकर संबोधित कर रहे हैं। खैर, एएनआई के साथ यही होना चाहिए। देश के सबसे बड़ी एजेंसी जब सरकारी प्रवक्ता से भी बदतर चुटकारिता करने लगे, तब यह होना लाजमी है। संत की भाषा सुनिए, उन्होंने तंज कसते हुए एक और ट्वीट कर लिखा, आज लोकसभा में बैठे कलाकार ट्रेंड करवाएंगे, मुर्दभाषी योगी जी। उधर एएनआई ने यूपी सीएम का वीडियो साझा किया और इसके साथ कैप्शन में लिखा, पहले साझा की गई लाइव साउंड वाइट वापस ली गई है। इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। वे कहते हैं कि पहले कोरोना से लड़ाई में लोगों ने काफ़ी सहयोग किया, लेकिन अब लोग लापरवाह होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। सूर्य प्रताप सिंह ने इस ट्वीट पर तमाम यूजर्स की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। महेश नाम के एक यूज़र ने तंज कसते हुए लिखा, संस्कारों से पूर्ण एक संत की भाषा। एक यूज़र ने ताना मारते हुए लिखा, यही हर भाजपाई का असली चेहरा है। उधर इस वीडियो पर कुछ लोगों ने सूर्य प्रताप सिंह की खिंचाई करते हुए लिखा, बीएस बैनीवाल नाम के एक यूज़र ने अपने ट्वीट में यूपी पुलिस और डीजीपी को टैग करते हुए लिखा, कृपया राज्य के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की डब वीडियो शेयर करने वाले शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। एक और यूज़र ने अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा, देखिए एक पूर्व आईएएस द्वारा आपके नाम से ये सब फैलाया जा रहा है। अमित नाम के यूज़र ने लिखा, सर अगर ये पुरुष नहीं है तो कृपया इस वीडियो को शेयर ना करें। संदीप सोलांकी नाम के यूज़र ने लिखा, एडिट किया गया वीडियो है। अखंड प्रताप सिंह ने लिखा, अच्छा होता कि आप पूरा क्लिप साझा करते, इतने से तो कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। आप बता दें कि हालांकि ये वीडियो फेक है। क्या थी ये वीडियो, देखें अपने स्क्रीन पे। काफ़ी अच्छी होती है अपने का देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए। भारत ने जो दो स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं, उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार, देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से दो दो वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने देखा, ये वीडियो एडिटेड और नकली थी। इसमें योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। किसी भी चीज़ को शेयर करने से पहले 10 बार सोचें कि क्या वो फैक्ट है या नहीं है। एक हो सके तो एक बार गूगल करें। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द आर के न्यूज़ पे। धन्यवाद।